हेलो फ्रेंड्स, आई एम शशि नाहटा एंड वेलकम बैक टू मसाला मिस्ट्री। मसाला मिस्ट्री में आज हम केक के ऊपर सजाने के लिए या हमारे डेजर्ट्स में डालने के लिए बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से कैरमल सॉस। कैरमल सॉस के साथ साथ हम बनाएंगे नट्स वाले प्रलाइंस बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही डिफरेंट तरीके से। ये फुल प्रूफ रेसिपी है, तो आप जरूर बनाइएगा और इसका फीडबैक मेरे को जरूर दे दीजिएगा। तो चलिए हम बनाते हैं, फटाफट केक को डेकोरेट करेंगे और बहुत मजे लेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो उसके लिए देखिए, मैं ये चीनी ले रही हूँ। इसके अंदर हाफ अ कप चीनी लिया है मैंने, और इसको कंटिन्यू हम हिलाते रहेंगे, बिल्कुल कंटिन्यू हम देखिए हिलाते रहेंगे फ्रेंड्स। इसको हम चलाते रहेंगे और हमने बस बिल्कुल आधी कप चीनी लिया था और ये मेल्ट होने तक हमको कंटिन्यू इसको चलाते रहना है। बनते बनते ही मैं आपको ये बता दूं कि आपको एक प्लेट को रेडी रखना है जिसके अंदर आप इसको सेट करोगे, और ये आप क्या करिए, बस ये जो कंसिस्टेंसी आएगी इसको आप फ्लेम को ऑफ कर दीजिए। देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया है। अब मैं क्या करूँगी, इसको इस प्लेट के अंदर निकाल के सेट कर लूँगी। फ्रेंड्स, मैंने तो नॉनस्टिक लिया है, आप नॉर्मल कढ़ाई में भी बना सकते हो, इसमें कोई बहुत ग्रेट डिफिकल्टी आपको नहीं आने वाली है। तो ये देखिए, ये आप बस अब सेट कर लीजिए, इसको ठंडा होने दीजिए, और ठंडा होने के बाद में हम मिलते हैं। और जब तक ये ठंडा हो रहा है हम बनाएंगे हमारी कैरमल सॉस। चलिए फ्रेंड्स, मैंने इसी पैन में मैं बना रही हूँ कैरमल सॉस। तो उसके लिए देखिए, मैं ये चीनी ले रही हूँ। इसके अंदर हाफ अ कप चीनी लिया है मैंने, और इसको कंटिन्यू हम हिलाते रहेंगे, बिल्कुल कंटिन्यू हम देखिए हिलाते रहेंगे। चलिए, और अब इसके साथ साथ आप क्या करिए, सॉल्टेड बटर ले सकते हो, और अगर आपके पास सॉल्टेड बटर ना हो तो घर का बटर भी आप ले सकते हो। बस याद रखिएगा कि वो बटर थोड़ा फ्रेश होना चाहिए, क्योंकि उसमें फिर वो स्मेल नहीं रहनी चाहिए, अदरवाइज वो कैरमल सॉस का मजा ही नहीं रहेगा। और देखिए, हम ये अब थोड़ा सा फ्लेम कम कर देते हैं। वैसे मैंने कैरमल मखाना बनाने की रेसिपी डाली थी, तो मैं उसका लिंक है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। देखिए, जब ये ऐसे पूरा मेल्ट हो गया ना, अब हम इसके अंदर डालेंगे 3 चम्मच बटर। ये जो बटर मैं ली हूँ, ये हम 3 चम्मच बटर डाल देंगे। ये देखिए एक, और ये डाल के हमको चलाते रहना है फ्रेंड्स। देखिए, एकदम मैंने अभी सिम कर दिया है फ्लेम को, और ये 2 चम्मच और ये 3 चम्मच, और मैं इसको फ्रेंड्स इसके अंदर यूजली वी पुट द क्रीम, हैवी क्रीम जो मार्केट में मिलता है, तो मेरे पास आज हैवी क्रीम नहीं है घर पे, तो मैंने जो अपनी घर की नॉर्मल मलाई होती है उसी को छान लिया है, मोटा मोटा पार्ट लिया है उसका, छान लिया है, और उसको ही हम डाल देंगे इसके अंदर। ये देखिए बहुत ही बढ़िया टेक्सचर, और ऑलरेडी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, बिल्कुल कैरमल इसके सॉस की आ रही है। घर पे बच्चे तो एवरी डे कुछ ना कुछ बनवाने वाले हैं आपको ये सॉस के लिए, खाने के लिए। तो अब हम देखिए, इसके अंदर फिलहाल आधा से भी थोड़ा कप है मेरे पास कम, तो हम थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर क्रीम डाल देंगे। फ्लेम कम कर लीजिए, थोड़ी थोड़ी करके क्रीम डाल देंगे, पहले इसको डिसॉल्व करके फिर दूसरा क्रीम डालेंगे इसके अंदर, और कम कर दीजिए गैस को। ये मैं 3/4 कप आराम से आपके इसमें क्रीम लग जाएगी, चाहे आप हैवी क्रीम मार्केट से लेके आ जाइए और चाहे आप घर की बनी हुई मलाई से बना लीजिए, उसको आप प्लीज छान लीजिएगा एकदम बढ़िया से। ये देखिए कितना बढ़िया कलर, कितना बढ़िया टेक्सचर। अब चलिए फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं एक बार के लिए, और इसको बढ़िया से हिला लेते हैं। इट्स लुकिंग सो अमेजिंग। एक बार हम पूरा हिलाने के बाद में देखेंगे कि और इसको हमको पकाना पड़ेगा या नहीं। एक बार इसको पूरा मिक्स कर लेते हैं, मैंने फ्लेम ऑफ पे रखा है और इसको हिलाए जा रही हूँ ताकि ये बर्न ना हो फर्दर और सीज ना हो। अगर आप ये जो प्रोसीजर है, आप अगर बिल्कुल ऐसे ही फटाफट आपको करना है
अगर आपने कहीं भी गलती की या स्लो आप चले तो आपका कैरमल सीज हो जाएगा। सीज होने का मतलब है वो वही मतलब बहुत कड़ा हो जाता है और बाद में आप कुछ नहीं कर सकते हो। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट मतलब परफेक्ट बना है ये। मेजरमेंट से आप बनाइएगा, हाफ कप चीनी और उसके अंदर 3 चम्मच हमने लिए हैं बटर एंड हमने लिया है 3/4 का जो हाफ कप का जो 3/4 हमने भर के लिया है क्रीम, फ्रेश क्रीम, मैंने तो घर की मलाई ली है। चलिए फ्रेंड्स अब मैंने बिल्कुल बंद कर दिया। देखिए ये मेरे पास पुरानी बनी हुई मेरे पास ये देखिए जार में रखी हुई है। ये ऑलमोस्ट मेरे को 1 साल हो गया है बना के और कुछ भी नहीं हुआ है, मैंने फ्रिज में रखा था, बस ऐसे ही आप बनाइए। देखिए कलर कितना बढ़िया है, आपको बहुत ही मजा आने वाला है ये सॉस बना के। चलिए फ्रेंड्स तो ये ठंडा हो गया है, अब इसको मैं जार में स्टोर करूंगी और फिर हम इसके अंदर जब भी हमको जरूरत पड़ेगी हम इसको स्टोर करेंगे। चलिए फ्रेंड्स ये भी ठंडा हो गया है हमारा, ये जो हमने बटर स्कॉच के लिए क्रंचीज बनाए थे जो क्रिस्प पार्ट होता है, अब इसको मैं निकाल लेती हूँ। ये देखिए ये एज इट इज निकल गया है। अब हम इसको छोटी छोटी तोड़ लेंगे और हम थोड़ा सा इसको मिक्सी में क्रश कर लेंगे या आप जो ममदस्ता होता है उसके अंदर हल्का हल्का कूट लीजिए। इसके अंदर बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही क्रिस्प है, इतना यम्मी है ऑलरेडी ये। तो चलिए इसके अंदर नेक्स्ट क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। चलिए फ्रेंड्स मेरे स्टाइल में बटर स्कॉच के जो ये क्रिस्पीज होते हैं उसको बनाने के लिए देखिए मैं ले रही हूँ हैंडफुल ऑफ, मतलब ये रहेंगे अबाउट 1/4 कप अखरोट है मेरे पास और इसके अंदर हम डाल देंगे ये कैरमल और ये कैरमल को हम डाल के बिल्कुल एक बार बस मिक्सी को घुमा लेंगे और फिर हम इसको बिल्कुल एयरटाइट जार में स्टोर कर लेंगे। तो चलिए मैं फटाफट इसको डाल के और आपको एक बार मिक्सी में चला के बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स रेडी है और ये आप टेस्ट करके देखिए, बहुत ही अमेजिंग, बिल्कुल आपको कहीं से लाने की जरूरत नहीं, आप घर में ही बना सकते हो। अमेजिंग मीन्स अमेजिंग। अब आप केक के बीच में या आइसक्रीम के टॉपिंग पे या जो भी डेजर्ट हो उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हो, बहुत ही यम्मी है। तो ये केक की रेसिपी मैंने अभी हाल ही में मसाला मिस्ट्री में डाली है, बहुत ही टेस्टी केक है तो आप जरूर बनाइएगा। वो मैंने मिल्क पाउडर को कैसे यूज करना है वैसे बताया है, बाकी आपको ये भी बता दूं कि आप बिना मिल्क पाउडर के भी बना सकते हो, मिल्क मेड यूज कर लो और अगर मिल्क मेड नहीं हो तो दूध को रेड्यूस करके डाल सकते हो और नहीं तो दूध डायरेक्टली से भी बना सकते हो आप। देखिए ये जो कैरमल सॉस मेरे पास है मैं इसको अभी पाइपिंग बैग में डाल रही हूँ और जब बहुत ज्यादा अपने को आइसिंग वगैरह खाने का मन नहीं हो तो आप इस तरह से केक के ऊपर बिल्कुल फटाफट आप यूज कर सकते हो। और इसके लिए देखिए मैं पाइपिंग बैग में इसको कैरमल जो सॉस हमने बनाया है उसको डाल रही हूँ और एक चीज मैं बता दूं आपको, ये जो है नीचे का जो पाउडर है वो है चीनी का, जो हम आइसिंग शुगर को या पीसी हुई चीनी को बस बिल्कुल ऐसे हम डस्ट करके ये केक्स को हम ऐसे सर्व कर सकते हैं। आप अपनी इमेजिनेशन यूज करके बहुत अच्छे से इसको प्रेजेंटेशन कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स जो पाइपिंग बैग है इसका बिल्कुल मैं पतला सा एक बार काट रही हूँ सामने से और हम इसके ऊपर देखिए करते हुए, अब मैं आपको बता दूं हमने क्रिस्पीज भी बनाए हैं वो भी आप इसके अंदर यूज कर सकते हो और अगर आपको इसको केक को डेकोरेशन करना है और प्रॉपर केक की जैसे खाना है तो फिर इसको आप बीच में काट के लेयर्स के जैसे और इसके अंदर आप फिलिंग कर सकते हो। एंड देखिए मैं बिल्कुल ये थोड़ा सा ये भी ऐसे बस ये ऐसे गिरा दे रही हूँ, ये बहुत ही यम्मी 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 आपको क्या बताऊं, बहुत ही यम्मी रहने वाला है। आप इसको ट्राई करिएगा, ये बहुत ही डिफरेंट ये एक आपको सर्विंग के लिए मिल जाएगा जब गेस्ट आएंगे या कोई भी आपको ओकेशन हो या बच्चों को। देखिए ये आप ऐसे बहुत ही अच्छी तरीके से आप इसको डेकोरेशन करके, ये देखिए हमारी कैरमल की केक बिल्कुल रेडी है और आप जरूर बनाइएगा इसको।
कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी? है ना बहुत ही आसान और बहुत ही जबरदस्त। आप बनाइए इसको और सबको बताइएगा इसके बारे में, और मुझे फीडबैक देना ना भूलें। मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें एंड प्लीज बेल आइकन दबा लें ताकि इसका कोई भी नेक्स्ट रेसिपी का आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मसाला मिस्ट्री। बाय बाय।